ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। ठाणे के हजूरी दरगाह मद्रासी चौल में 8 साल की बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने वाले MIM पार्टी के कार्यकर्ता का मामला अब तूल पकड़ते जा रहा है। आपको बता दें कि बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने वाले यूसुफ शेख को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, मगर अब यूसुफ शेख को MIM के पार्टी का कार्यकर्ता नहीं बताया जा रहा है। ऐसी जानकारी MIM के आला अधिकारी दे रहे हैं। MIM पार्टी के आला अधिकारी बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने वाले यूसुफ शेख को पार्टी का कार्यकर्ता नहीं बता रहे हैं। बहरहाल जो बैनर लगा है यूसुफ शेख का वो काफ़ी पुराना बताया जा रहा है, मगर अब पार्टी के आला अधिकारियों को इस पर जवाब देना भारी पड़ रहा है। जब से ये घटना सामने आई है राजनीति माहौल भी गर्म हो गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी यूसुफ शेख MIM स्टूडेंट विंग के ठाणे अध्यक्ष फैजान शेख ने यूसुफ शेख को बचाने की कोशिश की और बच्ची के माता पिता को भी पैसों का लालच दिया। यहां तक कि आरोपी यूसुफ शेख को छिपाने की भी कोशिश की, मगर जैसे ही ये बात सामने आई और मीडिया में खबरें चलने लगी तो MIM पार्टी के ठाणे जिला प्रवक्ता अमजद बरकाती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमजद बरकाती ने आरोपी यूसुफ शेख को बताया कि MIM पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है, तो वहीं फैजान शेख पर भी लगे आरोपों को खारिज किया है। MIM का कार्यकर्ता बोल के किसी पद पर नहीं, क्योंकि मेरे सामने उसकी कोई पुष्टि हुई नहीं है अभी तक। मैंने शहर सदर से भी हमारे तबरेज़ बेलोड़े साहब से मैंने वार्ता किया और उसे पूछा कि भाई ऐसा कोई बंदा यूसुफ शेख नामक अपना कोई कार्यकर्ता है क्या, तो उन्होंने नहीं बोला। ये सब हजूरी में इस तरह का कार्यकर्ता नहीं है, और हजूरी में तो MIM की कोई डिस्ट्रिक्ट बॉडी से होते हुए और शहर जो वहाँ की बॉडी है वहाँ पर कोई बॉडी तो है ही नहीं वहाँ पर मेरी जानकारी में। बात सामने आ रही है कि वो वहाँ पुलिस स्टेशन पर गए हुए थे और लड़की के माँ बाप से कह रहे थे कि आप पैसा लेकर जो है ये बात जो है रफा दफा करा रहे। स्टूडेंट विंग के कौन, मतलब नाम क्या है आप MIM पार्टी के? स्टूडेंट विंग का जो है, हमने मैंने पहले इस बात को स्पष्ट कर दिया कि स्टूडेंट विंग के जो कुणाल खरात महाराष्ट्र प्रेसिडेंट है, हाँ स्टूडेंट मैं बता रहा हूँ, कुणाल खरात जो वहाँ के महाराष्ट्र प्रेसिडेंट है, वो लोकल बॉडी या डिस्ट्रिक्ट बॉडी को साथ में कोऑर्डिनेशन करके नहीं करते, इसलिए हमारी जानकारी में नहीं होता है कि अब किसको क्या पद दे रहे हैं और कौन सी एरिया में क्या पद दी जा रही है और कौन सा पदाधिकारी क्या काम कर रहा है। देखिए कार्यकर्ता है, बैनर पे फोटो उसका है, हमने इसकी पुष्टि की है सब। क्या हमारे सभासद मुन्नी जो 2014 की भी थी वो भी हमने चेक किया, रजिस्टर चेक किया है, उसमें ऐसा कोई नामक हमारा कार्यकर्ता नहीं है। अगर वो स्टूडेंट इनका भी नया बना हो तो ये अपनी जानकारी में अभी फिलहाल नहीं। इसी रात में मैंने आपको पहले भी कहा कि अभी उनको शायद कुछ स्टूडेंट विंग का दिया है, ये हमारे पास में कुछ हाँ दबाव। उस वक्त मैंने फैजान शेख को, मैं खुद पुलिस स्टेशन भी गया, आरोपी जिस वक्त राबुड़ी से अरेस्ट हुआ, मैं डिपार्टमेंट के साथ ही था और स्थानीय लोगों के साथ ही था, और उस वक्त मैं वहाँ पर भी गया कि भाई क्या बात सही है झूठ है, तो वहाँ पर मुझे कोई मेरा MIM का पदाधिकारी नहीं दिखा है, एटलीस्ट वहाँ पर कोई नहीं दिखा है। हाँ वहाँ ये बात सुनने में आ रही थी कि इसके अंदर बात हो रही थी, लेकिन जिस बात का मेरे पास में कोई दलील या सनद नहीं है तो उसमें मैं कोई जवाब नहीं दे सकता हूँ अभी। और अगर ऐसा आपको लगता है कि भाई आरोपी छुपाने का काम अगर MIM कर रही थी या कार्यकर्ता का, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारे शहर हमारे सदर बरसिंह अवेसी का ये भी बात सामने आई कि आरोपी को इधर छिपाया जा रहा है। अगर हमने वहाँ पर API पोटे साहब को सीधा बोला है कि अगर आरोपी छुपाने का कोई भी प्रयत्न करता है, जो भी हो, तो कितना ही पदाधिकारी हो, कानून के काम में दखल देता हो, उस पर स्टिक से आप कार्रवाई करें, पार्टी का इस पर कोई रोल नहीं रहेगा, उल्टा आपको पार्टी की तरफ से समर्थन मिलेगा। ऐसा कोई बेकार जिसने हरकत की है उस आरोपी का आप इन्वेस्टिगेशन करें, उसका डिपार्टमेंट इन्वेस्टिगेशन करें उसका जो आरोप लगा है, लेकिन इसको बचाने या छुपाने का कोई मामला नहीं। हमने बोला कि जो सेशन उनका बैठता है 216 अगर आरोपी छुपाने का जो भी आपके इसमें आता है आप करो, कोई आपको इसमें मना करने वाला नहीं, आप इन्वेस्टिगेशन करके करो, पुलिस का काम है इसमें, कौन छुपाने वाला है, हम छुपाने वाले, हम तो खुद आरोपी को दिए हैं ना, हम तो रात में उस दिन आरोपी का पुलिस का मदद किए हैं, स्थानीय लोगों की मदद की है, बच्ची किसी की भी हो, और हमारे सदर साहब का सीधा स्ट्रिक ऑर्डर है कि इस तरह का आदमी ना तो कोई कार्यकर्ता रहेगा ना तो पदाधिकारी रहेगा मजलिस में। तो अभी आप लोग क्या उसे पार्टी से निकाल रहे हैं?
अभी वो हमारे पार्टी में है ही नहीं, तो अभी उसको निकल पार्टी में नहीं था, फिर उसका बैनर फोटो लगा कैसे बैनर में? अभी वो हाजूरी का हमारे शहर बॉडी से तो कोई लेना देना नहीं है, ना ही तो पेरेंट बॉडी, आयाज मौलवी साहब की नज़र में भी कुछ ऐसा वो कार्यकर्ता है नहीं, और मैं एज ए प्रवक्ता मेरे नज़र में भी बंदा कार्यकर्ता लगाते हैं तो कुछ उसकी फोटो की जाँच पड़ताल करते हैं, किसी का भी फोटो ऐसे लगा दिए वो साहब? मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया कि हमारे डिस्ट्रिक्ट बॉडी से वो नहीं है, अगर आप उठा करके, अगर ये कार्यकर्ता समझिए कि आप कार्यकर्ता है, आपने उठा करके सेना के बैनर पे आपका फोटो डाल दिया या कुछ चलता है कि भाई फोटो लग रहा मेरा भी फोटो लगा दो, तो ये चीज़ तो हमारे पास में स्पष्टीकरण नहीं कि वो कार्यकर्ता था भी या नहीं। मेन विषय वो है कि वो कार्यकर्ता था भी क्या नहीं, लेकिन मैं फिर भी आपसे बार बार दोहरा रहा हूँ इस संदर्भ में अपने वरिष्ठों से बात की है कि वो कार्यकर्ता था या किसी पद पर था या नहीं था, इसकी जानकारी आपने ली किसी से? जी मैंने जानकारी ली, वहाँ का मैंने खुद इन्वेस्टिगेशन किया, तो मुझे क्या जानकारी सामने, किसी पद पर था वो या नहीं? नहीं पद पर तो नहीं, वो एक बैनर का फोटो, वो किसी न्यूज़ में मैंने देखा कि एक बैनर पे फोटो उसका एरो दिखा रहा है कि ये बंदा था, और जिसको रात में अरेस्ट किया वही बंदा था, वो मैं मानता हूँ जो बैनर पे फोटो है, ये मैंने खुद आपको देखी बात है, लेकिन पार्टी का कार्यकर्ता था या नहीं इसका हमारे पास में जब तक सभासद नोंदनी कार्यकर्ता की होती है तो नहीं, हमारे पास में 2014 का भी रजिस्टर है, मैं आपको बता सकता हूँ 2014 की मेंबरशिप बुक है, तो ऐसा हमारे पास में हाजूरी या राकुड़ी का कोई कार्यकर्ता है नहीं, ये मेरे पास में ये क्लियर नहीं है। देखिए साहब मैं बता रहा हूँ कि वो कार्यकर्ता नहीं है, फिर भी एक मैं पार्टी का प्रवक्ता नहीं समझो या किसी पार्टी के पोस्ट में नहीं समझो, लेकिन फिर भी जो दुष्कर्म करने का काम अगर उस आरोपी ने किया है, पुलिस इसको साबित करती है, हम अपने तरफ से इंडिविजुअली भी, पार्टी तो हमारा साथ देगी इस गलत काम को ये करने का, लेकिन मैं इंडिविजुअली भी बोलता हूँ कि हम ऐसे काम को बर्दाश्त नहीं करने वाले, कड़क कार्रवाई की हम मांग पुलिस प्रशासन से कर रहे हैं। जहाँ यूसुफ शेख को MIM पार्टी का कार्यकर्ता बताया जा रहा है, तो वहीं MIM के ठाणे जिला प्रवक्ता इसका खंडन कर रहे हैं, मगर महाराष्ट्र स्टूडेंट विंग के अध्यक्ष व एडवोकेट कुणाल खरात ने भी यूसुफ शेख को पार्टी कार्यकर्ता नहीं बताया है, कहा है कि यूसुफ शेख MIM पार्टी और स्टूडेंट विंग से नहीं जुड़ा था। फोन पर क्या कुछ बताया है कुणाल खरात ने? कुणाल खरात सर, जो ये राबोड़ी का मामला हुआ है, तो इसमें जो यूसुफ शेख है जो बच्चे के साथ अश्लील हरकत करते हुए गिरफ्तारी भी हुई है उसकी, तो इस मामले में जो है बताया जा रहा है कि ये जो है MIM पार्टी से जुड़ा हुआ है, तो क्या स्टूडेंट विंग से जुड़ा हुआ है या MIM पार्टी से जो है ये जुड़ा हुआ कार्यकर्ता है? अच्छा, पहली बात तो मैं ये जो हरकत इसने भी की है तो उसकी मैं पहले निषेध करता हूँ, निंदा करता हूँ, ऐसी किसी ने नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात आपने जो बताया, पहली बात तो हमारी जो स्टूडेंट विंग है MIM की, वो 3 महीने पहले से गठन हुआ है, 3 महीने पहले, और अभी हमने जो वहाँ पे जो हमारे प्रेसिडेंट है फैजान शेख, उनको अकेले को ही अभी पोस्ट दी गई है, और उसके बाद में किसी को पोस्ट भी दिए भी नहीं है और मेंबरशिप भी नहीं की है, और जो बयान देखा है हमने वो 5 से 7 साल पुराना है, उससे हमारा कोई संबंध नहीं है, और जो भी कुछ वहाँ पे कल्पेट है जिसने गलत हरकत की है उसको उसका भी हमारा कोई संबंध नहीं है। और अब ये किसकी साजिश होगी कि कुछ पार्टी को बदनाम करे, पर उसका हमारा कोई संबंध नहीं है, ना स्टूडेंट विंग का है ना MIM का। सर आप कह रहे हैं कि पार्टी का नहीं है ना ही स्टूडेंट विंग का है, लेकिन जो फैजान शेख हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं कि ये वहाँ पुलिस स्टेशन में गए हुए थे और जो है उनको बचाने की भी कोशिश की, और जो है मामला पैसों को ले देकर जो रफा दफा करने की भी जो है बात सामने आई है। नहीं वैसा कुछ भी नहीं हुआ, मैंने उनको भी पूछा ऐसा कुछ हुआ क्या, उन्होंने भी साफ तरीके से नहीं बोल दिए ऐसा कुछ नहीं हुआ है, किसी ने गलत बात में जो आपको पूछ रही है प्रेस मीडिया को कि ऐसा क्या हुआ, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ वहाँ पे, हम ये हमारे मेरे दर्शन में ये जताई करता कि वैसा कुछ भी नहीं हुआ, और ऐसे लोगों को हम सपोर्ट भी नहीं करेंगे और कभी फाइटिंग भी नहीं रखेंगे अगर कोई ऐसा करेगा तो। सर जो क्लियर किया है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं। सर जो यूसुफ शेख है इसका बैनर पे जो है फोटो लगा हुआ भी आ रहा है, तो ये बैनर जो है कितने साल पुराना है या नया है क्या ये? नहीं अभी स्टूडेंट विंग अगर देखा जाए तो हमारा स्टूडेंट विंग को भी गठन होकर 3 महीने हुए, मुझे महाराष्ट्र प्रेसिडेंट बना गया, मुझे 3 महीने पहले दिया गया, तो उसके पहले कौन पार्टी में थे क्या थे वो मुझे भी नहीं पता अच्छे से, और जिसको हमने किया है बजाज जिसको अध्यक्ष वो अभी हमने 1 महीने पहले दिए थे, और उनका भी ये मामले से कुछ संबंध नहीं है, कैसे अभी पार्टी है इलेक्शन से वो तारीख से किसी ने कुछ हो सकता है बदनाम करने कुछ पार्टी। सर इस मामले में आपने अपने वरिष्ठों से बात की है? हाँ हमने हमारे जो वहाँ पे जो फादर बॉडी के लोग हैं उनसे ही बात की, उनका भी उनका बोलना कि अपना है ही नहीं, पहचान ही नहीं इसको, अगर बैनर पे भी देखा जाए तो 5 साल पुराना बैनर है, अभी का भी नहीं है, अगर अभी देखा जाए तो हमारे अभी गठन हुई है
और अभी हम सब मेंबरशिप, वो हमारा मेंबर भी नहीं है कुछ, हम सब रिकॉर्ड चेक किया हमारा भी, अपना कुछ है क्या बोलते हैं, हमने सब सब चेक करके बोल रहा हूँ कि मैं आपको ऐसा कुछ नहीं है। सुना आपने, अब बताया जा रहा है कि पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है, वहीं स्टूडेंट विंग के फैजान शेख इस आरोपी को बचाने में लगे थे, तो वहीं दूसरी तरफ यूसुफ शेख पार्टी कार्यकर्ता नहीं है। मगर इस मुद्दे पर अब अमजद बरकाती और कुणाल खरात ने वरिष्ठों से भी बात की है, मगर फिलहाल आरोपी यूसुफ शेख इस समय पुलिस की गिरफ्त में है और इस मुद्दे पर अब हलचल भी तेजी से हो रही है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।